मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। क्या आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज आपको हम बताते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। दरअसल बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खाने को फुलाने का काम करते हैं। दोनों ही रेसिपी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके छोटे छोटे एयर बबल पैदा करते हैं, जिससे रेसिपी फूल कर स्पंजी हो जाती है। चलिए जरा विस्तार में आपको एक एक करके बताते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है। बात करते हैं पहले बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि नमी और खट्टे पदार्थों से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ये गैस एयर बबल के रूप में खाने में जमा होकर रेसिपी को स्पंजी बनाती है। बेकिंग सोडा को सक्रिय होने के लिए दही, छाछ आदि खट्टे पदार्थों की ज़रूरत होती है। इसीलिए जिस रेसिपी में खट्टे पदार्थ नहीं हैं, वहाँ सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाने से काम नहीं चलता। खाना सोडा या बेकिंग सोडा से नमी के मिलते ही तुरंत रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए खाने में सोडा डालने के बाद तुरंत पकाने या बैक करने के लिए रख देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये चीज़ें अच्छी तरह नहीं फूलती। बात करेंगे अब बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर में एसिडिक मीडियम मिले होते हैं। जब इसे खाने में मिलाया जाता है तो ये खुद काम करना शुरू कर देता है। जो रेसिपी खट्टी नहीं है, वहाँ भी बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल इस्तेमाल में लाया जाने वाला बेकिंग पाउडर डबल एक्शन होता है। पहला एक्शन ये तब करता है जब ये नमी के संपर्क में आता है। दूसरा तब करता है जब ये गर्मी के संपर्क में आता है। जब रेसिपी को हम ओवन में रखते हैं तो पहले से ही बने बबल और बड़े हो जाते हैं और रेसिपी ज़्यादा स्पंजी बनती है। दो तरह से काम करने की वजह से रेसिपी का मिश्रण तैयार करने के बाद 15 मिनट रख के भी बेक किया जा सकता है। ज़्यादा वक्त तक बेक की जाने वाली रेसिपी में बेकिंग पाउडर डाला जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। ज़्यादा वक्त तक गर्मी में रखे रहने की वजह से बेकिंग सोडा काम करना बंद कर देता है। बेकिंग पाउडर में मिले अन्य तत्व क्रीम ऑफ टाटार काम करते रहते हैं। इसीलिए केक, मफिन, कुकीज़ आदि में अगर खट्टे पदार्थ हों तब भी हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। जिन चीज़ों को बनाने में नमी या पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ बेकिंग सोडा इस्तेमाल में लाया जाता है। अक्सर लोग सोडा वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, पर बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था अंतर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।